hey guys welcome back in the second part of carbohydrates in this session we will discuss the previous year questions related to osazone formation as well as berry d ravine when and can rearrangement reactions. So students let's see the questions. ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो है राइट द मॉडर्न मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन ओसाजोन फॉर्मेशन जो है उसका मॉडर्न मैकेनिज्म आपको राइट डाउन करना है किसके लिए ग्लूकोज के लिए ठीक है क्वेश्चन आपके पास आया है एमडीयू 2015 के अंदर तो देखिए यहाँ आपके पास क्या है <दिफ़ था�ति> यहाँ सबसे पहले हम बताएंगे कि आपके पास रिएजेंट क्या यूज करते हैं आप इस रिएक्शन के अंदर जो आप रिएजेंट यूज करते हैं रिएजेंट क्या यूज करते हैं आप यहाँ पर फिनाइल हाइड्रोजीन फिनाइल हाइड्रजीन फिनाइल हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है जिसका फॉर्मूला क्या होता है सी सिक्स एच फाइव एन एच टू ओके okay, आप याद रखेंगे सी सिक्स एच फाइव एन एच एन एस टू फिनाइल मतलब हाइड्रोजिन एनएच एन एस टू हाइड्रोजिन जब एन एस टू एन एस टू बेनजीन रिंग के ऊपर लगेगा तो आपके पास क्या बन जाता है C, ए, एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है सी सिक्स एच फाइव एनएच एन एस टू है ओके okay, नाउ देखिए अब इस रिएक्शन के अंदर फर्स्ट स्टेप आप जो इस रिएक्शन में याद रखेंगे कि हमें यहाँ थ्री मोल्स किसके लेने हैं फिनाइल हाइड्रोजिन के सी सिक्स एच फाइव एन एच एन एच टू ओके तो हम फ्री थ्री यूज़ करते हुए तो तो ग्लूकोज लिया है, है ग्लूकोज से आप क्या कीजिए ओसाजोन फॉर्म कीजिए तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ठीक है तो हमने ग्लूकोज को क्या किया है फिशर कॉन्शन के अंदर लिखा क्या है आपके पास सिक्स कार्बन एटम है वन टू आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं वन कार्बन टू एंड जो आपके पास थ्री कार्बन यहाँ है ठीक है तो ये आपके पास फाइव कार्बन हुए और सिक्स आप नीचे का जो पार्ट है जो सारे जो रिएक्शन होगी यहाँ पर ओसोजन फॉर्मेशन में वो किस पे होगी वन एन टू कार्बन पर होगी तो आप नीचे के पोर्शन को क्या कर सकते हैं कॉन्स्टेंट भी रख सकते हो आप इसको किसी एक लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइक आप इसको जी से रिप्रेजेंट करो जेड से रिप्रेजेंट करो वो आपकी मर्जी है नाउ देखिए अब जब फिनाइल हाइड्रोजीन ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है तो आपके पास जो फिनाइल हाइड्रोजन में जो एन एस टू है वहां से हाइड्रोजन एच टू और क्या होगा आपके पास एलडी हाइड्रिक कार्बन जो हा, कंपाउंड का है उसका क्या हो जाएगा ऑक्सीजन क्या मिला बना, निकाल देते हैं यहाँ से वोटर तो आपके पास यहाँ से वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो वॉटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज दिस वन वो कहा अटैच हो जाता है फर्स्ट कार्बन के ऊपर लाइक दिस एन एच एन एन एच सी सिक्स एच फाइव ओके नाउ देखिए सेकेंड स्टेप के अंदर रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है कि यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है दैट्स वाई चार्ज कहाँ शिफ्ट होगा नाइट्रोजन की साइड ठीक है जैसे ही चार्ज कार्बन नाइट्रोजन की साइड शिफ्ट होगा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जो सेकंड कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में तो यहाँ इस हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव ठीक है नाउ, अब क्या होगा कि जो आपके पास ये नाइट्रोजन है जो नेगेटिवली चार्ज है वो फ्री हाइड्रोजन को क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा एन एच तो थर्ड स्टेप के अंदर देखिए जो थर्ड स्टेप यहाँ पर है दिस वन तो इसमें क्या है आपके पास नाइट्रोजन ने क्या किया है इस नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया ये हाइड्रोजन सेकेंड कार्बन से आया है नाउ बाकी चीजें आपके पास सेम एज पर लगी हुई है मैंने इसको थोड़ा ओपन करके लिखा है एन एच एनएच टू एन एच एन एच सी सिक्स एच फाइव जो दूसरे कार्बन पे एक हाइड्रोजन था वो चला गया है तो ओ एच है तो यहाँ पर क्या बचा है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए थे उसकी वजह से अब नेक्स्ट क्स्ट में क्या होता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन अपनी साइड क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा तो इस नाइट्रोजन के ऊपर जो सेकंड नाइट्रोजन आपको यहाँ कार्बन के साथ जो बिल्कुल अटैच है उस उसपे क्या होगा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो पाई बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन की वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ना इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज uh, करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो देखिए यहां जब आप देख रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है है यहां इस केस के अंदर आपके पास बॉन्ड जो है एक तो यहां से ब्रेक हो रहा है और दूसरा बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा है तो इट मीन्स यहां से जो ये पार्ट है आपके पास सी सिक्स एच फाइव एन एच टू वो यहां से रिमूव हो जाएगा ठीक है तो सी सिक्स एच फाइव यहां से रिमूव हो गया तो अब आपके पास इसके रिमूवल से क्या बना यहाँ ये जो कार्बन कार्बन क्या बन गया है डबल बोन्ड बन गया है बाकी चीजें क्या है आपके पास सेम है बस क्या हुआ है ये जो डबल बोन्ड था कार्बन कार्बन का जो डबल बोन्ड था वो नीचे सी डबल बोन्ड ओ के अंदर भी सॉरी ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच शिफ्ट हो गया है और यहाँ पर सेकेंड कार्बन क्या बन गया है आपके पास अगेन एक कीटोन फॉर्म हो गया है ओके, okay. नाउ जब हम कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर वह दोबारा से क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो मोल एंड दिस वन इज द फर्स्ट मोल तो सेकेंड मोल जब दोबारा से रिएक्शन करेगा तो फिर उसी तरह से हाइड जो आपके पास ये एस टू है एंड नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन किसका कार्बन का वो क्या हो जाएंगे यहाँ से रिमूव होंगे और क्या कर निकाल देंगे यहाँ से वॉटर मोलिक्यूल्स निकाल देंगे ना तो आपके पास जैसा फर्स्ट केस में कंडीशन थी सेम कंडीशन आपके पास यहाँ अराइज हुई है कि यहाँ क्या हो गया है आपके पास सेकेंड कार्बन के ऊपर फिनाइल हाइड्रोजिन का कौन सा पार्ट लग गया है सी सिक्स एच फाइव एन एच एन एक मॉलिक्यूल लेके आते हैं और फिनाइल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को फिर दोबारा से किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं जो आपका प्रोडक्ट बना था नाउ यहां इस रिएक्शन से आपके पास क्या होता है अमोनिया मॉलिक्यूल रिमूव होता है कैसे रिमूव होगा आपके पास यहां से एनएच टू तो कहाँ से जाएगा आपके पास फिनाइल हाइड्रोजिन का और हाइड्रोजन कहा से जाएगा एनएच का ठीक है तो ये आपके पास क्या रिमूव कर देता है एन एस थ्री तो फाइनली आपके पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है सी एच एन एन सी Formations. तो इस reaction के अंदर, जो main याद रखने के लिए है, वो क्या है आपके पास की पहला तो आप क्या कर रहे हो थ्री मोल्स रियजेंट यूज कर रहे हो रियजेंट क्या है आपके पास थ्री मोल्स ऑफ सी सिक्स एच फाइव एन एच टू ओके देकेंड केस क्या है फर्स्ट केस में जब आप इसके साथ रिएक्शन पहला आपने क्या किया फर्स्ट केस में आपने क्या किया है C6NH सॉरी C6H5 दिस वन इज अ C6H5 C6H5 दिस वन C6 H5 NH NH2 NH NH2 के साथ रिएक्शन कराई तो उसके साथ रिएक्शन होने से क्या हुआ है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ ठीक है, आपने क्या किया है सेकेंड केस थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा C6, H5, इसको हम बोलते हैं अनिलीन. ये क्या हो जाएगी ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी वाटर भी यहां से रिमूव हो जाता है थर्ड स्टेप के अंदर जब दोबारा से आप क्या करते हो दोबारा से आप क्या कर रहे हो अगेन सी सिक्स एच फाइव एन एच एन एच टू ये सेकेंड मोल लेके आते हो तो फिर दोबारा से एक वॉटर मॉलिक्यूल निकल जाता है वॉटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद लास्ट स्टेप के अंदर आप फिर एक दोबारा से सी सिक्स एच फाइव टू लेके आते हो तो फिर से आपके पास एक अमोनिया मॉलिक्यूल निकल जाता है तो मेनली यहाँ क्या हुआ है थ्री थिंग्स जो है निकल कर गई है ठीक है क्या एक मोल तो आपका क्या गया है यहां से क्या हुआ है वन मोल अमोनिया रिमूव हुआ है ठीक है टू मोल्स वोटर के रिमूव हुए हैं और वन मोल सी सिक्स एच फाइव एन एच टू दैट इज एन का रिमूवल हुआ है ठीक है बाकी हमने क्या किया Three moles है थ्री मोल्स किसके यूज किए फिनाइल हाइड्रोजिन के यदि आप क्या करते हो ये लास्ट का जो स्टेप है उसको याद रखते हो तो रिएक्शन जो है इजिली आप क्या कर सकते हो एक्सप्लेन कर सकते हो ये स्टूडेंट क्वेश्चन इज हियर एक्सप्लेन लोबेरी डी ब्री एंड वेन एंग रीअरेंजमेंट ठीक है एमडीयू 2011 15 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको लोबेरी डी वैन जो रिएक्शंस है उसको एक्सप्लेन करना है तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ जो लोबेरी थे उन्होंने क्या किया उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स ली ठीक है उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स ली और उसमें उसकी रिएक्शन करवाई बेस के साथ बट उन्होंने क्या किया एक बार जब रिएक्शन की तो कंसनट्रेटेड बेस के साथ रिएक्शन करवाई और दूसरे टाइम जब रिएक्शन करवाई तो बेस के साथ रिएक्शन की ठीक है जो बेस का इफेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग क्या है ग्लूकोज अपने अलग अलग फॉर्म्स दिखाता है ठीक है ना देखिए जब उन्होंने क्या लिया कार्बोहाइड्रेट लिया और कंसनट्रेटेड बेस उसके अंदर डाला और रिएक्शन जो आपके पास सोल्यूशन था उसको हीट कर दिया ठीक है तो उस टाइम जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट था वो डिसोसिएट हो जाएगा वो क्या होगा डिसोसिएट होता है ठीक है किसमें में डिसोसिएट होगा या तो फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोक्सिलएल्डिहाइड या लोअर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर टूट जाएगा और टूट के आपको क्या देगा एक येलो ब्राउन सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता है ठीक है तो कंसंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्शन करके उसने डिसोसिएशन शो कर दिया लेकिन जब आप कार्बोहाइड्रेट को लाइक like, आपने ग्लूकोज ही लिया ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है तो आपने क्या किया ग्लूकोज लिया और उसको किस किस रिएक्शन करवा दिया डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन करवाई तो उस केस में आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो डिसोशिएट नहीं होगा वो आइसोमराइज हो जाता है वो क्या होगा आइसोमराइज होगा आइसोमराइज मतलब क्या होता है आपके पास केमिकल फॉर्मूला सेम है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट आपके पास आइसोमस बन जाते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन क्या होती है डिफरेंट होती है ठीक है तो आपके पास यहाँ क्या होते हैं आइसोमस की फॉर्मेशन होगी ठीक है और जब आइसोमर्स बनते हैं तो वो आपके पास क्या देंगे मिक्सचर देंगे किसके एल्डोज कीटोज और अदर एपीमर्स के एपीमर्स क्या होते हैं आपके पास जो कार्बन नंबर फोर के ऊपर डिफरेंट होते हैं ठीक है नाउ देखिए एग्जांपल के तौर पर हमने किसको लिया है हमने कहा कि स्पोज कीजिए कि आपके पास ग्लूकोज फ्रुक्टोज और मैनोज है ठीक है आपने ग्लूकोज फ्रुक्टोज या मैनोज को लिया और उसको किसके साथ रिएक्शन करवा दी डायल्यूट बेस के साथ रिएक्शन करवाई जब आपने उसको डायलूट बेस के साथ रिएक्शन की उसको आपने हीट किया तो आपके पास क्या मिलता है एक मिक्सचर मिलता है इक्लुबेरियम मिक्सचर ठीक है इक्लुबेरियम मिक्सचर मिलता है इसको हम सिंपली इस तरह से शो कर सकते हैं कैसे शो करेंगे इसको कि हमारे पास क्या है यहाँ पर हमारे पास यहाँ डी ग्लूकोज है ठीक है यहाँ क्या है डी ग्लूकोज है वो किसके साथ इक्वेरियम में है डी मैनोज के साथ और डी फ्रुक्टोज के साथ ठीक है ये सारे क्या है एक दूसरे के अंदर आइसोमराइज हो जाते हैं कब जब आपने इसको हीट किया है विद बेस के साथ ठीक है डाइल्यूट बेस जब आपने इस केस में लिया है देखिए हम रिएक्शंस में देखते हैं कि कैसे हुआ है ऐसे कि आप जब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लेते हो ग्लूकोज लेते हो दिस इज द डी ग्लूकोज दिस इज डी ग्लूकोज ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स ना यहाँ पर कितने कार्बन आइटम है सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स हमने इसको डी फॉर्म क्यों नाम दिया है क्योंकि जो सेकंड मोस्ट कार्बन होता है सेकंड नंबर पे जो कार्बन होता है वहां यदि ओ एच ग्रुप राइट साइड में हो तो हम उसके क्या क्या बोलेंगे बोलेंगे और यदि यही ग्रुप आपके पास लेफ्ट साइड पे हो कार्बन के तो आप उसे बोलेंगे डी फॉर्म फॉर्म और दूसरी होती है आपके पास ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज ठीक है नाउ देखिए यहां पर क्या है ग्लूकोज है तो ग्लूकोज की हमने क्या किया है बेस के साथ रिएक्शन कराया उसको हीट कर दिया तो हीटिंग से यहाँ क्या हुआ कि जो बेस था ठीक है रिएक्शन कैसे होगी जनरली यहां मैं यदि यह कहूँ कि सी डबल बोन ओ है और ये क्या है आपके पास एच है तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की साइड जाएंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ वो उसे कौन एक्सेप्ट कर लेगा अल्टीमेटली ओ नेगेटिव तो आपके पास क्या बन गया है सी एच एक हाइड्रोजन जो है कार्बन के ऊपर ऑलरेडी था और ये जो हाइड्रोजन है ये आपके पास कहाँ से आया है सेकेंड नंबर का जो कार्बन के पास हाइड्रोजन था वो नाउ एक चीज आप यहाँ देखिए कि यहाँ क्या डेवलप हुआ है ये डबल बाउंड डेवलप हुआ है ठीक है तो देखिए यहाँ क्या है आपके पास ओएच OH ग्रुप भी है ये ओएच OH ग्रुप भी आपके पास है और दूसरा क्या है डबल बाउंड भी है तो आपके पास क्या बन गई इन डाइऑल क्या बना है इन डाइऑल देखिए यदि इसी फॉर्म को आप क्या करते हो ग्लूकोज है उसको फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या है आइसोमरी तो है एक दूसरे के अंदर आ, क्या होंगे ये ए, कन्वर्ट कन्वर्ट हो सकते हैं यही किसने बताया है लोबेरी ने बताया है तो इस रिएक्शन को यदि मैं फर्दर प्रोसीड करवाऊं तो आपके पास क्या हो कि यदि मैं क्या कहूँ कि ये जो आपके पास सीओ था ठीक है यहां से अगेन यदि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है यदि ये डबल बॉन्ड नीचे शिफ्ट होता है तो ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास फ्री हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन जैसे ही यहाँ से फ्री होता है ये किस पे चला जाएगा कार्बन एक के पास ठीक है तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आ गया तो ये क्या बन गया सी एच टू ठीक है यहाँ जो है एक और हाइड्रोजन आ चुका है ये जो हाइड्रोजन था ये कहाँ चला गया इस कार्बन के ऊपर सी एस टू नाउ इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया डबल बोन्ड कैसे माइग्रेशन हुआ है बॉन्ड का जो कार्बन कार्बन डबल बोन्ड था वो किस साइड शिफ्ट हो गया सी ओ के बीच में शिफ्ट हो गया है तो आपके पास क्या हो गया सी डबल बोन्ड ओ अब देखिए एल ग्रुप होता है

यदि आप फर्दर इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाएं कि ये जो ओ डबल बोंड है ठीक है ये अगेन फर्स्ट केस की तरह क्या हो जाए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए जा तो ये जो सेकंड नंबर का हाइड्रोजन हाँ, हाँ, तो है ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में दे देगा बॉन्ड में देने के बाद ये हाइड्रोजन जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज होते ही ऑक्सीजन इसे एक्सेप्ट कर लेगा मीन सेकेंड पोजिशन पे थर्ड वाला हाइड्रोजन चला जाता है तो ये सेकेंड पोजीशन पे थर्ड वाला हाइड्रोजन आ गया अगेन यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया तो अगेन जो है इन डायोल की फॉर्मेशन हो गई फिर वही प्रोसेस फिर हम क्या करते हैं फिर दोबारा से क्या करेंगे बोन्ड्स को फिर रीअरेंज करेंगे तो बोन्ड्स को जब दोबारा से रीअरेंज करेंगे तो आपके पास क्या है यदि ये बोन्ड डबल बोन्ड नीचे शिफ्ट होता है ठीक है तो आपके पास क्या हो जाएगा यहां पर यदि ये वो डबल बोर्ड नीचे शिफ्ट होगा यहाँ भी रीअरेंजमेंट ही शो होगा यहाँ पर जो सी एच टू ओ एच है वो अब नेक्स्ट केस में किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है सी एच ओ के अंदर ठीक है सी एच ओ और जो आपके पास सी एच टू जो सी एच ओ जो है वो एल ग्रुप है ठीक है तो ये जो है दोबारा से इन आ, होकर आपको क्या दे देता है CHO दे देता है तो आपके पास मैनोज की फॉर्मेशन होगी तो इस केस में क्या हुआ है आपके पास लोबेरी के केस में बार बार इन डायोल की फॉर्मेशन होगी और एक फॉर्म दूसरी फोर्म के अंदर इजिली क्या हो जाएगी कन्वर्ट हो जाएगी इसके लिए आप स्पेशली ये याद रखेंगे कि डी ग्लूकोज तो यदि किसी बेस के साथ कराया, हीट किया डिमेनोज बना उसको फिर दोबारा बेस के साथ कराया, कराया, हीट कराया, बना। में ये रिएक्शन चलती रहती है। तीनों जो है आइसोमर्स एक दूसरे के अंदर क्या होते रहेंगे कन्वर्ट होते रहेंगे कब जब डायल्यूट बेस आपने लिया है यही रिएक्शन क्या है लोबेरी डी ब्रेवियन वैन एंग रीअरेंजमेंट क्वेश्चन और फिफ्टीन के अंदर पूछा गया है